हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। वैसे तो वेजिटेबल्स मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, लेकिन भी पत्ता गोभी थी मेरे पास और थोड़ी सी गाजर थी, तो मैं उसी से बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आज मन कर रहा था खाने का। बट आज मन कर रहा है तो खाना तो बनता है बनाकर, तो मैंने ले लिया पत्ता गोभी। इसमें डाला है मैंने सेंधा नमक, आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हो। उसके अंदर डाला है गोलकी पाउडर और आप इसमें से पानी रिलीज़ करेगा। इसी में डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर और इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा को चाल कर यूज़ करना ताकि उसमें कुछ भी लम्स उम्स हो तो सारी चीज़ें निकल जाएँ, तो इसको चाल कर ही मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर हल्का हाथों से मिला दे। इसमें एक बूंद भी पानी ऐड मत करना क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर मैंने नमक जो डाला है वो पानी रिलीज़ करेगा, जिससे क्या होगा ये अच्छा हो जाए। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, बट 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना। 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि इसमें देखो एक मॉइस्चर आ गया था, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से चिपक रही है। तो आप हल्का सा इसको हाथों से अच्छे से मिला लो और गोल 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 करके इसकी छोटी छोटी लड्डू बना लो। जिस तरीके से लड्डू गोल 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 मैं बना रही हूँ, उसी तरीके से आप भी बना लो। तब तक चलो से फटाफट से पकौड़ी छानने के लिए मैं कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। और इधर आप देख सकते हो मैंने प्याज और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिए हैं। आप इस तरह से आप काट लेना। आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास क्या करूँ था ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। इधर मैं फटाफट से मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल और इसमें डालकर मैं फटाफट से गरम कर दे रही हूँ। पहले हाई फ्लेम पे रिफाइंड ऑयल को गरम कर देना, फिर मीडियम फ्लेम पे कर देना, क्योंकि गरम तेल में हम नहीं डालेंगे वरना जो हमारी जो मंचूरियन की जो गोलियाँ हैं गोल गोल वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से तो वो पक जाएगी दिखेगी, बट अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी नहीं लगेंगी। और मैंने देखो ये हल्की सी गर्म में हल्की नॉर्मल होगी, तो मैंने इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं और अच्छे से हिला हिला कर दोनों तरफ से आपको हल्के क्रिस्पी हो जाने तक अच्छे से हल्की सी क्या बोलते हैं लाल लाल हो जाने की वजह से, हाँ क्रिस्पी जो हरी सुनहरे कलर की आ जाने के बाद आप इसको निकाल देना। हिला डुलाना ज़्यादा मत, हल्का हल्के हाथ से हिलाना, वरना ये जो गोल गोल गोलियाँ हैं वो सारी टूट जाएंगी। आप देख सकते हो ये इस पर बहुत अच्छी कलर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। चलो तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं चिल्ली की। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस ऑन कर दिया है और उसके अंदर चढ़ा दी है, उसके ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। थोड़ा सी रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो, बट रिफाइंड ऑयल में ये सब चीज़ अच्छी लगती है खाने में। और जितने भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा था प्याज, हरी सॉरी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और उसके बाद हल्की सी ये जो है इसको मैं थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन कर लूँगी और इसको हिला हिला कर। और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हैं सॉसेस, और आपके पास जितने भी सॉसेस सब डाल दो, आल जाल सॉसेस मत डाल देना कि वो चिल्ली की वो जो ग्रेवी वही ख़राब हो जाए। तो मेरे पास थी टमाटो सॉस और यहाँ पर है मेरे पास ये रेड चिली सॉस जो कि खुली नहीं रही थी, नई पैकेट थी ना तो खुली नहीं रही थी, अब खुली तो पूरी इधर उधर पड़ गई, बट कोई नहीं फटाफट से मैंने रेड चिली सॉस, ये ग्रीन चिली सॉस तो मेरे से खुली ही नहीं तो मैंने डाला ही नहीं। मैंने ये बोला कि रेड चिली सॉस जब मैंने डाल दिए तो ग्रीन चिली क्या फ़ायदा, तो मैंने इसको रख दिया साइड में, बोला कि जाओ भाई तो जी ले अपनी ज़िंदगी। और उसके बाद उसको मैंने ऐड करा है और ये सोया सॉस बहुत थोड़ा सा ऐड करा है, ज़्यादा ऐड नहीं करा है। और मेरे पास थी सेजवान चटनी की 10 रुपये वाली छोटी सी पैकेट, क्योंकि पैकेट ही मंगाना सही रहते, तो एक पैकेट में इसको पूरा मैं काट कर इसके अंदर डाल दूँगी
आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सॉस से भी काम चल जाता है, थोड़ा जितना थोड़ा रहता है उतना स्वाद लगता है, ठीक है। तो कम सॉस वाले भी चल जाएगी, तो टमाटो सॉस भी डाल दोगे तो अच्छा लगेगा। अब इन सभी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, इन सब सॉसेस को अच्छे से मिक्स 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 कर देना ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच अरारोट ऐड करेंगे, मैदा नहीं ऐड करना, उन्हें मैदा ऐड कर देना अगर नहीं हो अरारोट तो। इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने अच्छे तरीके से, इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें थोड़े थोड़े लम्स पड़ गए हैं इसीलिए मैं इसमें अच्छे तरीके से पानी मिलाकर इसको अच्छे तरीके से फेंट दूँगी ताकि जितनी भी इसके अंदर लम्स पड़ रहे वो सारे एक बिल्कुल भी ना रहे, वरना खाने में बहुत ख़राब लगेगा। आप जल्दी से देखो प्याज मेरी हल्की सी ब्राउन हो गई है, इसके अंदर जितनी भी मेरे पास ग्रेवी थी, ये मतलब टमाटो सॉस थी, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और इसके अंदर ऐड कर रहा था थोड़ा सा पानी भी। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद इस जब मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने हल्का सा सेंधा नमक, फिर से ऐड करा, नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसको फिर अच्छे से तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है आपस में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड करा है MDH का किचन किंग पाउडर, उसको अच्छे से हल्के से मिक्स कर दिया है और बस उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करूँगी। और जितने भी मेरे पकोड़े थे गोल गोल वो सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी मंचूरियन के, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर अगर आप मंचूरियन छोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये एकदम आपस में ये और फूल जाती है थोड़ी थोड़ी, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हल्का ऐसे ही बनाया करो आप, क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते कि सारी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हो तो ही कोई चीज़ बने, कम सब्जियों में मंचूरियन बन सकती है। तब तक के लिए बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।